Hey guys, welcome back to the channel. I hope you guys doing really good. Okay, so finally हम लोग वर्कआउट करने जा रहे हैं. वर्कआउट हम लोग नहीं करने जा रहे, मतलब ये वर्कआउट करेगा, मैं उधर बैठ के टाइम पास करूँगा. घर पे बैठने से मेरा सर दुख रहा था एंड ऑब्वियसली मैं जिम में रहूँगा तो एटलीस्ट वो थोड़ी एनर्जी तो आएगी, वो वाइब तो आएगी. हाँ चलो जिम में, जिम जाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे थोड़े टाइम के लिए ना बोला, अभी मैं कर सकता हूँ फिलहाल, बट कुछ टाइम के बाद मुझे थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा. इसके लिए मैं सोचा पूरा एकदम अच्छे से बनाने के बाद वापस एक महीना होल्ड करने से अच्छा मैं अभी नहीं जाता हूँ, उसके बाद वापस जाना चालू कर दूँगा. ये जब तक वर्कआउट करेगा, मेरे को दो तीन जन से बात करना है, एक दो डील फाइनल करना है. वो करने के बाद हम लोग एक स्कूल में एडमिशन कराने जाना है. हम लोग को थोड़ा लेफ्ट में ले हम लोग को स्कूल में एडमिशन कराने जाना है, तो हम लोग वो भी जाएंगे. मैं डायरेक्ट इधर से, हम लोग जिम से डायरेक्ट शुभम के घर पे जाएंगे, उधर से डायरेक्ट हम लोग स्कूल में चले जाएंगे. सो चलो जिम में मिलते हैं. ओके सो गाइस, वी हैव फाइनली रीच्ड टू आवर जिम. ये हम लोग का जिम, अगर वसई विरार से तुम लोग को पता है ये कौन सा एरिया है. ये वसई का वन ऑफ द फेमस एरिया है. यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा क्राउड आता है नाला सुबारा का, जो कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि यहाँ पे आके उन लोग हरकत कर देते. बहुत नाला सुबारा में बहुत लोग हैं, कुछ बहुत अच्छे लोग भी है, बहुत टैलेंटेड लोग भी है, बहुत डांसर लोग भी है, बट वो जो बोलते हैं ना, जो हरकत कर डालते फिर इधर के लोगों के दिमाग ख़राब हो जाता है. ऊपर से एक गाँव वाला एरिया पड़ता है, यू नो महाराष्ट्र वाला एरिया, गाँव वाला एरिया, तो वो थोड़ा ज़्यादा चार्ज रहते हैं. क्या बोलते हैं? बरोबर क्या बोल रहे हैं? अरे छतरी लोग बाहर आते हैं ना, तो वो लोग को पता नहीं है कि वो लोग जिम के अंदर से बाहर दिखता है. तू कौन होता है उन लोगों को छबरी बोलने वाला? मेरी मर्जी, तू कौन होता है मेरे को पूछने वाला? मेरी मर्जी बस. ऑडासिटी भाई. तो सुन, तो ये लोग कुछ भी बाहर हरकत करते रहते, रखा जिम अंदर से देख के हंसता रहता है. मतलब वो लोग अपना वर्कआउट छोड़ देते हैं, फोन भी निकल के ऐसा अंदर रिकॉर्ड करते हैं. ये सबको है ना वो करवाता था, सब ये लीडर बन जाता है बेचारों को रोस्ट करा. मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं क्यों किसी को रोस्ट करूँ, क्यों किसी को बुली करूँ. इतने दिनों के बाद मैं जिम आ रहा, बहुत लोग मेरे को देख रहे, अरे वो माँ का सब कारण आया जिम, वो मिलता हूँ जिम में. गाइस मुझे एक बार के लिए लगा मेरा मेंबरशिप ही खत्म हो गया है. लाइट वाइट लगा दिया है. मेरा भी ये नहीं हुआ था, स्कैन नहीं हुआ था. सो वी आर इन द जिम राइट नाउ. पर ये मेरा आउटफिट आज, ट्रैक सूट ही पहना है मैंने. मैं वर्कआउट नहीं करने वाला, इसके लिए वजह वॉच पहन के आया हूँ, हेयर बैंड. अभी थोड़ी देर बैठूंगा, मुझे वीडियो एडिट करना, जो आज तुम लोग ब्लॉग देख रहे हो इसके पहले का ब्लॉग, वो मुझे एडिट करना, बाकी बैठ के एडिट करूंगा. और मेरा ईयरफोन के बारे में तुम लोगों को बताता हूं एक चीज़. हेलो फ्लेक्स सर, मसल नहीं दिख रहा. गाइस मुझे सब लोग पूछ रहे जिम क्यों नहीं आ रहा, जिम क्यों नहीं आ रहा है. मैंने आज भी टाइम पास करने आया हूं. ओके तो गाइस अभी मैं बाहर आ गया हूं, वरना मुझे जबरदस्ती उठा के बोलेंगे चल वर्कआउट कर. सब लोग यहाँ में मुझे ट्रेन करते, मुझे सिखाते रहते, बट मेरे को नहीं करने अभी, बाद में मुझे जब मैं सीरियस हो जाऊँगा तब करूँगा. बहुत कुछ नई चीज़ें ऐड कर लिए जिम में. ये क्या के लिए? मेरा किक इधर पहुँचेगा क्या? इसका हाइट इतना है और मैं ट्राई करूँगा इधर किक मारने के लिए. रुक जाओ मैं तुम लोगों को बताता हूँ. आई रियली होप रिकॉर्ड हो ये चीज़. अच्छी तरह में क्या मार रहा है आज? चेस्ट राइस सर. डायरेक्ट एक हफ्ते के बाद तो ये मार दे ना, मिक्स मार दे. साला वो चक्कर में मेरा स्कैम बच जाता है. क्यों? अरे दूसरे दिन पूरा बॉडी दिखता रहता है. अरे और फिर अपने को जाना रहता है ना कॉलेज विलेज, और सुबह के ट्रेन पता है ना तेरे को, उधर ही वर्कआउट हो जाता है. वही तो गाइस पढ़ाई छोड़ दो. डन विद द एडिट. अभी मैं इसको इधर ही बैठ के अपलोड कर दूंगा एंड मैंने थंबनेल्स के लिए फाइल भेज दिया अपने एडिटर को. वो थंबनेल जैसे ही बना के दे देगा मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड कर दूंगा. मुझे ज़्यादा नहीं एक घंटा लगा एडिट करने के लिए. अगर इसमें ज़्यादा मीम्स रहते या सिनेमेटिक्स रहता तो मुझे थोड़ा और टाइम लगता था, बट इतना टाइम नहीं लगता था, एक या दो घंटा ज़्यादा से ज़्यादा. तो मैंने बैठे बैठे पूरा एडिट कर दिया. अभी मैं ये वाला ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा, तब तक मैं अपलोड के लिए रख देता हूँ. शुभम का शायद वर्कआउट कम्प्लीट हो गया रहेगा, सो या मैं इसको अपलोड करने भी रख देता हूँ. वर्कआउट करने के बाद शुभम का मुंह देखो, गधे की गांड जैसा हो जाता है. पता नहीं यार, ईगो लिफ्ट करता है.
मैं हर बार ये बटन दबाना भूल जाता हूँ और ऐसे ही खींच देता दरवाजा। आज पूरे दिन में हम लोग को क्या करना है? मुझे तो बस खाली टाइम अभी चल रहा है फिर कल सुबह सुबह आते हैं। नहीं अभी करा के आते हैं, मेरे को घर पे बहुत ये कर रहे थे। तुमको लगता करेंगे बट एटलीस्ट इंक्वायरी तो करके आ जाते ना कि एडमिशन चालू है नहीं है व्हाट नॉट। पैसा किसको नहीं चाहिए हाँ कौन मना करता है पैसे को। मेक सेंस हाँ, बट ये स्कूल वाले पैसा भी लेते और नाटक भी करते हैं, समझ रहे? यस छपरी स्कूल मोहित जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि छपरी था। ओके तो गाड़ी अभी करंट चला रहा है क्योंकि मैं इतना जिंदगी आ रहा कि ताकत नहीं बची यार सच में। एक तो मेरा पूरा फसल लेकिन कड़क कड़क लग रहा है तो मेरे को ऐसा हाथ फ्री नहीं हो रहा है मेरा गाड़ी के लिए। तो मैं इसको बोला गाड़ी चला और ये भी चला रहा है। हम लोग सेकेंड वाले कैफे पे जा रहे हैं दूसरे ब्रांच पे, बस देख के आने का मन है क्योंकि इधर ही जस्ट बाजू में है, सोचा कि इधर भी जाके आते। हाँ पेट्रोल तो बड़ा सस्ता है ना, जाके आते वो भी खरीद लेंगे, पेट्रोल पंप भी खरीद लेंगे, अब चल सकते हैं। ओके सो ये हम लोग का सेकंड ब्रांच है जो कि जस्ट कैपिटल मॉल के सामने है, फिफ्थ गेट के उधर। तो अगर जितना प्यार तुम लोग हम लोग के फर्स्ट कैफे को भी देते हो इतना प्यार ये वाले ब्रांच को भी दे दिया करो, कई कस्टमर बैठते हैं। तीसरा भी खुलने वाला है तीसरा भी हम लोग का जल्दी प्लान है ओपन करने का, लेट्स सी कब तक ओपन करते। ओके सो गाइस ये वाला केटीएम तुम लोगों ने बहुत बार मेरी वीडियो में देखा रहेगा, बट ये वाला इसमें इसने क्या मॉडिफिकेशन करवाया मेरे को देखने का है। वही स्टिकरिंग करवाया, ज़्यादातर स्टिकरिंग ही करवाया है, लिमिटेड एडिशन। चल गाइस गुड मॉर्निंग, आज का डे टू है। मुझे पता है कल का व्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ, उसका रीज़न ये है कि हम लोग जिम के बाद गए थे डायरेक्ट स्कूल में एडमिशन कराने के लिए कृष्णा का। कृष्णा कौन है अगर तुम लोग मेरे बहुत पुराने व्यूअर्स हैं तुम लोगों को पता है, जिन्हें नहीं पता वो मेरा नेफ्यू है, मेरा भतीजा है। तो उसका एडमिशन हम लोग को कराना था, वो गोप्रो में रिकॉर्ड हुआ था बट उसका साउंड का कुछ तो इशू हो गया था मेरे गोप्रो में। तो आज मैं चेक करूंगा कि इसका इशू क्या आ रहा है साउंड में, शायद मैंने माइक के इधर हाथ लगा लिया था उसके वजह से भी हो सकता है, बट फॉर अ सेफ साइड मैं आज चेक करूंगा। उसके बाद हम लोग दूसरे कैफे पे गए थे एंड मैंने उसके बाद अपने फ्रेंड का बाइक चला के देखा था, उसने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया था, उसके बाद वो व्लॉग वहीं पे एंड हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि आई वेंट टू मीट समवन एंड उसके बाद मैं उन्हें घर पे छोड़ने जा रहा था। मैं स्टोरी अच्छे से समझाता हूँ, तुम लोग ऐसा समझेगा फोन रख के समझाता हूँ। वो सो वेर आई वॉज सो आई वेंट टू मीट समवन एंड वाइल रिटर्निंग टू होम मैं उन्हें घर पे छोड़ने जा रहा था। सो मैं ईस्ट वेस्ट के ब्रिज पे था तो सडनली बाइक केम एंड उसने बोला कि भाई कैसे चला रहा है, सही तो चला रहा हूँ। एंड मैं किसी के साथ रहता हूँ तो मैं आर्ग्यू या झगड़े में नहीं पड़ता बिकॉज मुझे उन्हें सेफली घर ड्रॉप करना रहता है, मेरी जिम्मेदारी पे आए रहते। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर कि दे आर सेफ विथ मी, तो मैंने सॉरी बोला। इवन तो मुझे पता था मैं बाइक ठीक से चला रहा हूँ तो मैंने सॉरी बोला। देन वो जो बाइक था वो आगे चला गया और जैसे ही वो आगे गया हल्का सा आगे गया तो मैंने उसके जो पीछे के साइड रहता है तो उधर पुलिस का वो लोगो देख लिया, जो पुलिस वालों का लोगो रहता है वो मैंने जब देख लिया अरे यार। तो उसने वापस मुड़ के मुझे चलती बाइक पे मुझे मुड़ के लुक दिया, ये वापस कुछ ना कुछ सीन क्रिएट करेगा। तो उसने बाइक स्लो किया एंड ही आस्क्ड मी तू वही है ना जो पुलिस स्टेशन आया था, मैंने डायरेक्टली मना कर दिया, नहीं बोलते। उसने फिर वो पुलिस स्टेशन का नाम बताया, देन उसने बोला तूने वीडियो बनाया था ये वो सीन क्रिएट हुआ था। मेरा शिट इसको अभी तक वो बात याद है, वो बात को 6 महीना हो गया 7 महीना हो गया एंड इवन दो उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था वो सीन में बट वो सारे पुलिस वालों को याद था कि मैंने उधर सीन क्रिएट किया था पुलिस स्टेशन के अंदर। देन आई वॉज लाइक अरे यार ये अगर यहाँ पे सीन क्रिएट करेगा तो बहुत बड़ा सीन हो जाएगा एंड यू नो मैं वो टाइम पे सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, मुझे बोला कि थोड़ा बाइक ध्यान से संभाल के जा और कहाँ पे रहता है मुझे वो पूछा। तो मैंने अपने एरिया का नाम बताया, देन मैंने उनको भी पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो ही वॉज लाइक कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। मैंने उनको ये भी चीज़ बताया कि मैं कहाँ एग्जैक्टली कहाँ रहता हूँ, कौन से सोसाइटी में, जो सोसाइटी में मैं रहता हूँ वहाँ पे मतलब थोड़े बहुत पॉलिटिशियन एंड जो पुलिस चौकी का नाम बोल रहे थे जिनके अंडर वो ऑफिसर्स आते हैं उनके हेड का नाम बताया कि
ये है ये बिकॉज उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की थी, मतलब सब लोगों ने इन शॉर्ट मेरी बहुत हेल्प की थी वो सीन में। तो ही वॉज लाइक हाँ ठीक है, मुझे ज़्यादा कुछ बोला नहीं। इवन दो उन्होंने मुझे दो बर्गर ऑफर किया था बिकॉज आई वॉज विथ समवन, तो मुझे दो बर्गर ऑफर किए, बोलते ये लिखा एंड वो बर्गर शायद नॉन वेजिटेरियन था एंड आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। बोला नहीं सर थैंक यू, बस इतना तुमने किया बहुत है, अब तुम चले जाओ मैं चले जाता हूँ, एक दूसरे को शक्ल मत दिखाएंगे, कभी शक्ल नहीं देखने का है मेरे को तुम लोग का। देन मैं उनको घर पर छोड़ के आ गया एंड फिर सब लोग दोस्त मिल के मस्ती कर रहे थे एंड मैं घर पर आके सो गया। आके मैंने व्लॉग एडिट किया एंड मुझे पता था कि मुझे ये व्लॉग यहाँ पे एंड करना है, मतलब सुबह एंड करना है, क्योंकि मुझे तुम लोग को ये स्टोरी बताना था, बहुत इंटरेस्टिंग था। अचानक मतलब मेरे को तुम लोग ये बताना था कि सीन मेरा हुआ था दूसरे किसी के साथ, लेकिन वो बात दिमाग में सब पुलिस ऑफिसर के थे कि इसने वो सीन क्रिएट किया था एंड जो भी ऑफिसर को सस्पेंड करवाया था और जो भी मेरे साथ इन्वॉल्व थे, जितने भी मेरे दोस्त, मेरे मतलब पॉलिटिकल फ्रेंड, जो भी, तो उन लोगों दिमाग में अभी तक बैठा हुआ है। फॉर अ सेफ साइड मैं बोल के रखता हूँ, पता नहीं यार क्यों ऐसा। और मेरा ये हमेशा बचपन से ये मेरा है कि मेरा किसी का झगड़ा भी होगा तो मेरे से दुगने लोगों के साथ होगा, मतलब समझो मेरे से बहुत पावरफुल लोगों के साथ होगा, मेरी बराबरी वालों के साथ कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ ना। कमज़ोर वालों के साथ तो मैं कभी ऐसा देखता ही नहीं हूँ, तो सॉरी हाथ जोड़ के निकल लेता हूँ। बराबरी वालों के साथ बहुत मुश्किल से होता है और कमज़ोर के सामने हम लोग कभी कुछ करते नहीं, हमेशा बड़े लोगों से हुआ, हमेशा मेरे से डबल ट्रिपल पावरफुल लोगों के साथ हुआ, बट स्टिल हम लोग जीत जाते हैं। सो या यही चीज़ आप लोगों को बताना था, पता नहीं कब क्या हो जाए, तुम लोगों को बताता तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड मुझे नहीं पता ये चीज़ से बहुत लोग जज भी करेंगे क्या है क्या सीन है, बट ठीक है, वी आर सेफ। आई रियली होप यू गाइस इन द वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल।